मैं सोच रहा हूँ कि हमें किंजल की फैमिली से मिल लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप उन लोगों को ना घर पे ही बुला लीजिए, मैं तैयारी करती हूँ जाके, पता नहीं कब आ जाए वो लोग। किंजल की फैमिली बहुत हाईली एजुकेटेड है, बहुत वेल ऑफ है। अरे तो तेरा पापा क्या कम है? पापा मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर अच्छा हुआ मैंने नौकरी कर ली, अब मुझे किंजल के परिवार से मिलवाने में तो उसे कुछ शर्म नहीं आएगी। पापा आप खुद जानते हैं, जब हम लोग खुद मम्मी को बाहर किसी से भी मिलवाने में ऑकवर्ड फील करते हैं तो वो लोग भी तो ऑकवर्ड फील कर सकते हैं। अब वो घर से कह सकेगा कि मेरी मम्मी टीचर है। देख पारितोष, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सलूशन है ही नहीं। एक सलूशन है पापा। क्या? अगर आप काव्या को बुला लेंगे तो। मिसेस शाह, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आज आपको स्कूल आना पड़ेगा। आज? आई नो कि आपकी क्लास ऑल्टरनेट डे होती है, लेकिन आज आपका स्कूल आना जरूरी है। दरअसल आज हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन है और इंस्पेक्शन के दौरान सारे टीचर्स का मौजूद रहना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज 11 बजे तक पहुँच जाइएगा। 11 बजे? ये ढोला क्या तुम्हें क्यों फोन कर रहा था? वो जो मुंबई में कॉन्फ्रेंस है उसके लिए साथ चलने को कह रहे हैं। How dare he? मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए बहुत कंसर्न्ड हो और पजेसिव भी हो, लेकिन वी आई ट्रस्ट यू और तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना सीखना होगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ काव्या, पर उस ढोलकिया पे नहीं। जहाँ भरोसा होता है ना वहाँ शक की गुंजाइश नहीं होती भी। हेलो, व्हाट? फॉरेन क्लाइंट्स? अभी जल्दी जल्दी काम खत्म करूंगी, दोपहर का खाना पहले बना लेती हूँ, 10:30 बजे तक निकल सकूंगी, 11 बजे तक पहुँच जाऊंगी। तुम फटाफट 4 लोगों के लिए ट्रेडिशनल गुजराती खाना बनाओ अपने हाथ का। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.